जय हिंद अलकू 12th क्लास स्टूडेंट्स, एज यू नो यस्टरडे वी स्टडी अबाउट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया था। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द प्रोसेस इन विच एमआरएनए फॉर्म्ड, इस प्रोसेस में एमआरएनए बनते हैं। एमआरएनए फॉर्म्ड ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए, डीएनए के टेम्पलेट्स पर एमआरएनए का जो है फॉर्मेशन होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमने यस्टरडे क्या कर ली थी, स्टडी कर ली थी। उस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स जैसे एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में भी हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एमआरएनए का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। अब एमआरएनए ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज अ डिफरेंट टाइप कंप्यूटर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल के अंदर अलग तरह से होती है, थोड़ी डिफरेंट टाइप, और यूकैरियोट्स में थोड़ी डिफरेंट टाइप से होती है। तो टुडे वी स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुई उसमें डिफरेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इधर जो है इधर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने लिखा है, ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक है, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एमआरएनए जस्ट एक्टिवेट, जैसे ही एमआरएनए बनता है साइटोप्लाज्म में वैसे ही क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और फंक्शन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट एमआरएनए कम आउट इन साइटोप्लाज्म, जब एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस में तो पहले वो साइटोप्लाज्म में आएगा, उसके बाद एक्टिवेट होगा और फंक्शन करेगा। नेक्स्ट ओनली वन टाइप ऑफ एमआरएनए पॉलीमरेज, तो प्रोकैरियोटिक में पॉलीमरेज एमआरएनए पॉलीमरेज का सिर्फ एक ही टाइप होता है, ओके, एक ही टाइप का पॉलीमरेज एंजाइम है। इसमें देयर आर थ्री टाइप ऑफ एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसमें थ्री टाइप के एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक, प्रोकैरियोटिक में एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है और यूकैरियोटिक में भी एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक है। नेक्स्ट इट डज नॉट रिक्वायर डिलीशन ऑफ आरएनए सेगमेंट्स, क्या होता है एमआरएनए सेगमेंट्स का जो डिलीशन होता है, जरूरी नहीं कि एमआरएनए जो आरएनए सेगमेंट से वो अलग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एमआरएनए ये एमआरएनए सेगमेंट होता है इसका डिलीशन होना या अलग से अलग होना नहीं जरूरी नहीं होता है, वो जुड़ा रहता है। फिर यहाँ पे ड्यूरिंग मैच्योरेशन अनवांटेड सेगमेंट्स स्प्लिटेड आउट, क्या होता है यहाँ पर जो अनवांटेड सेगमेंट से क्या होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। अनवांटेड मतलब कि जो अनावश्यक सेगमेंट से एमआरएनए का वो अलग बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो अनवांटेड जो आरएनए वो जरूरी है कि बाहर निकले या ना निकले, ओके। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंस है। ये छोटा सा टॉपिक टुडे हमने स्टडी किया है, ठीक है, इसको आपको लर्न करना है, ओके। जय हिंद। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसलेशन प्रोसेस, इट प्रोसेस विल बी स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।